नमस्कार बच्चों, एजुकेशन टेक्नोलॉजी ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि अभी तक इस वेबसाइट के ऊपर जो है किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम से संबंधित निर्देश जो हैं वो नहीं आए हैं। और एक किसी बच्चे ने मेरे पास एक फ़ोटो भी भेजी थी कि इसकी डेट 28 थी, लेकिन इसके ऊपर आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर चल रहा है कि राजीव 2021 डिजिटल क्वेश्चन रजिस्ट्रेशन क्लोज ऑन 26 अगस्त 2021 5 बजे। ठीक है, तो ये रजिस्ट्रेशन जो है 26 तारीख को क्लोज हो गया था। वो जो न्यूज़ थी वो बिल्कुल गलत थी या मिस प्रिंट हुआ था उस पेपर के अंदर, तो उस चीज़ को आप इग्नोर कर दें। इसके अंदर देखिए एग्ज़ाम से संबंधित कोई निर्देश नहीं आया है, और मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को किसी प्रकार की समस्या हो, क्योंकि बहुत सारी वीडियो जो हैं इस प्रकार से भी आपको मिल सकते हैं कि इस प्रकार से इतने क्वेश्चन आएंगे, ऐसे आएंगे। तो अभी तक मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि किस प्रकार के निर्देश जो हैं वो अभी आ चुके हैं या कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे। बहुत सारे बच्चों के ये कमेंट आ रहे हैं कि सर क्वेश्चन कितने नंबर का आएगा, तो वो उसके रिगार्डिंग अभी तक कोई कुछ भी नहीं दिया गया है। सिर्फ ये इतना दिया गया है कि न्यूनतम 25% अंक जो है पास होने के लिए कंपलसरी है, चाहे कितने का ही पेपर हो उसमें से 25% आपको लेने पड़ेंगे। और दूसरा इसमें निर्देश ये है कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे और 75 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, ये दो बात आप लोगों को क्लियर हो चुकी है। उसके बाद में कुछ बच्चे ये कमेंट कर रहे थे कि एग्ज़ाम जो है वो कहाँ पे होगा, तो एग्ज़ाम जो है ऑनलाइन ही होगा। इसके लिए आपको तैयारी ये करनी है कि आपके घर के ऊपर कहीं पर भी आप इस प्रकार की व्यवस्था करें जहाँ पे आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो, कोई भी घंटे दो डेढ़ घंटे तक आपके पास कोई आए नहीं। क्योंकि घर के ऊपर आप बैठते हो तो आपके मम्मी पापा भाई बहन ये बोलते हैं कि हाँ बच्चों आ जाओ चाय पी लो, आ जाओ खाना खा लो, वो काम कर लो। तो उनको अच्छी प्रकार से पहले बता देना है कि डेढ़ घंटे तक मैं पेपर दे रहा हूँ या दे रही हूँ, उस कंडीशन में आप उनको डिस्टर्ब न करें, या आप उनको बता दें कि हमें किसी प्रकार का कोई भी डिस्टर्ब नहीं करना है। और आपको 11:30 बजे ये मान के चलो पेपर देने के लिए बैठना है। क्यों बैठना है उसका कारण भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम जो है वो 12 बजे से 1 बजे के बीच में होगा। ठीक है, और एग्ज़ाम 1 तारीख को होगा। ये बहुत सारे बच्चों को मैंने वीडियो में डाल भी दिया है, लेकिन फिर भी बार बार पूछ रहे हैं कितनी तारीख एग्ज़ाम होगा, कब होगा, हमें कैसे मालूम पड़ेगा, या पेपर दे रहे हैं और हमारे क्वेश्चन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं उसका कैसे मालूम पड़ेगा। उन सभी सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में देऊँगा आपको। तो 1 तारीख को एग्ज़ाम होगा और 12:30 बजे से 1 बजे के बीच में होगा। तो आपको 11:30 बजे ऐसी जगह पर जाने हैं जहाँ पर नेटवर्क फुल हो, नेटवर्क से संबंधित कोई समस्या ना हो। मोबाइल में बहुत सारे कमेंट ये आ रहे हैं सर मोबाइल में एग्ज़ाम दे सकते हैं क्या? एग्ज़ाम तो शायद उसमें मोबाइल में आप दे सकोगे, अभी तक कोई निर्देश नहीं है, मैं क्लियर नहीं कहूँगा, क्योंकि जब तक क्लियर नहीं कह निर्देश नहीं आते तब तक कुछ भी मैं मेरे चैनल के ऊपर आपको गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा मैं। क्योंकि उसमें क्या है कि आप मेरे चैनल से जुड़े हो तो मेरे चैनल पर जितने भी वीडियो हैं बिना सबूत के कोई वीडियो नहीं डला हुआ है, पूरा का पूरा क्लियर वीडियो डालता हूँ। कभी भी फेक इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो ओरिजिनल ही मिलेगी। तो जो जैसी बात है वो मैं आपको क्लियर बोलूँगा। अभी तक कोई निर्देश नहीं है इसके रिगार्डिंग, लेकिन फिर भी इस निर्देशों के हिसाब से मैं आपको जो भी चीज़ बता रहा हूँ वो कर रहा हूँ। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो लिंक है कि कौन से पोर्टल के ऊपर आपका पेपर होगा, तो वो लिंक भी आपको मिल जाएगा। आपके मोबाइल में एक रजिस्ट्रेशन नंबर आया हुआ है, उसको संभाल करके रखना है, और उसमें आपको जो पासवर्ड जो रहेगा वो भी अभी तक कोई इसका निर्देश नहीं है कि आपके मोबाइल नंबर पासवर्ड होंगे या डेट ऑफ बर्थ पासवर्ड होगा या कोई बाई डिफ़ॉल्ट कोई अन्य पासवर्ड देंगे वो, तो अभी तक कोई इसका निर्देश नहीं है। ठीक है, जो भी इन्फॉर्मेशन है आपको आपके मोबाइल के ऊपर मैसेज के माध्यम से तो मिलेगी। उसके अलावा मेरे चैनल पे आप जुड़े रहें और जो बेल आइकन है सब्सक्राइब कर दो। आप सब्सक्राइब करने के बाद में जो बेल आइकन है उसके ऊपर क्लिक कर दो, जैसे ही वीडियो डालूंगा आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा,
तो जैसे ही कोई पूरा इन्फॉर्मेशन मिलेगा तो वैसे ही मैं वीडियो और भी बना दूंगा। अभी ये पहले मैंने वीडियो इसलिए बनाया है कि आप लोगों को अच्छी प्रकार से उस चीज़ को समझा सकूं, क्योंकि कमेंट के जवाब जो हैं हर एक बच्चे को नहीं मिल पाते हैं जल्दी से, या टाइम लग जाता है, इसलिए मैंने सभी कमेंटों को एक जगह इकट्ठा करके ही इसमें डाला है। फिर बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि वेब कैमरा होगा या नहीं होगा, तो वेब कैमरा शायद नहीं होगा क्योंकि कोविड को देखते हुए वेब कैमरा शायद नहीं लग पाएगा। वैसे मोबाइल के अंदर कैमरा होता ही है, तो हो सकता है वो स्टार्ट भी कर दे, ठीक है। तो अभी तक इसका कोई निर्देश नहीं है। पेपर जो है कहीं सेंटर पे या अन्य जगह शायद नहीं होगा, क्योंकि वो भी क्लियर नहीं है कि तुरंत प्रभाव से ये सारा काम हो रहा है, तो आपके घर के ऊपर ही होगा ये सारा का सारा सिस्टम, ठीक है। और पेपर मालूम कैसे पड़ेगा ये मैं आपको अभी बता देता हूँ। तो अभी देखिए मैं डेमो दे रहा हूँ अभी, वैसे कोई भी इसमें क्वेश्चन नहीं है या राजीव से संबंधित क्वेश्चन नहीं है, तो इसमें जो भी क्वेश्चन है वो पहला पेपर है जो है जैसा है ना वो क्वेश्चन है, इसी रिगार्डिंग है, ऐसे ऐसे लगभग ऐसे ही आएंगे। जैसे आप एग्ज़ाम स्टार्ट करते हो तो आपसे आपका यूजर आईडी और पासवर्ड का एक विंडो खुलेगा, तो उसके अंदर आपको यूजर आईडी और पासवर्ड डालने हैं। यूजर आईडी पासवर्ड आपके क्या रहेंगे वो आपको मैसेज के माध्यम से मिल जाएगा, आपके रजिस्ट्रेशन नंबर रहेंगे या आपके मोबाइल नंबर रहेंगे या आपकी डेट ऑफ बर्थ रहेगा या क्या रहेगा, पासवर्ड क्या रहेगा, वो निर्देश आपको वहीं पर मिल जाएगा। आपको ध्यान ये रखना है कि सबसे पहले जैसे एग्ज़ाम स्टार्ट करते हो तो उसमें आपको 11:30 बजे बैठोगे आप, चाहे 15 मिनट पहले खुले या 20 मिनट पहले खुले, आपका जो पोर्टल है वो पहले खुलेगा। उसमें निर्देश मिलेगा इस प्रकार के, जैसे कि एग्ज़ाम जो है वो कितने क्वेश्चन होंगे उसके अंदर। तो ये मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, ये CCC का एग्ज़ाम है, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसी प्रकार से आपको निर्देश मिलेगा। तो आपको 75 क्वेश्चन का निर्देश मिलेगा, ये क्लियर है अभी, ठीक है। और 100 क्वेश्चन होंगे और टाइम कितना रहेगा, तो इसमें आपके जो क्वेश्चन है राजीव वाले में वो 75 क्वेश्चन रहेंगे और 1 घंटे का टाइम रहेगा। तो यहाँ पे आपको निर्देश मिलेगा 75 क्वेश्चन एंड टाइम अलॉटेड 60 मिनट्स, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग है या नहीं ये सबसे बड़ी डाउट की बात है। तो कुछ तो ये बोलते हैं कि 25 से 1/4 जो है नेगेटिव मार्किंग मार्किंग होती है, लेकिन अभी इसका कोई निर्देश नहीं है। आप उस निर्देश को अच्छी प्रकार से पढ़ें कि नेगेटिव मार्किंग आई है या नहीं आई है। यदि आपको पढ़ना नहीं तो उस कंडीशन में आप क्या करें, आपके नज़दीक में कोई भी होगा, कोई जानकार होगा, तो उसको आप एक बार बिठा लीजिए और उसको पूछ लीजिए कि किस प्रकार से ये पेपर हो रहा है और कैसे कैसे हमें निर्देश। बाकी मैं सारा सब कुछ क्लियर कर रहा हूँ, इसमें आपको कोई पूछने की ज़रूरत नहीं है। आप कॉलेज के विद्यार्थी हो और 12वीं क्लास आप कर चुके हो, तो आपको इतना तो इंग्लिश आता ही है, आराम से आप पढ़ सकते हो। हिंदी में भी आपको निर्देश मिल सकते हैं, साइड में दोनों लैंग्वेज में भी मिल सकते हैं। तो मार्किंग नेगेटिव है या नहीं है ये निर्देश आपको वहीं पे मिल जाएगा। इसमें दे रखा है 50% कंपलसरी है, तो आपका जो एग्ज़ाम है उसमें 25% कंपलसरी है, ये भी आपको वहीं पे मिल जाएगा। ये इसको तो देखने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि वो तो क्लियर वेबसाइट के ऊपर बता रखा है कि 25% जो है मार्क कंपलसरी है, अन्यथा आप जो है वो फेल हो जाओगे, आपको एग्ज़ाम का जो सर्टिफिकेट है डिजिटल सर्टिफिकेट वो नहीं मिलेगा। तो इसमें 25% कंपलसरी है। अभी फिर आगे देखते हैं कि जो क्वेश्चन जो है रहेंगे उसमें जो साइड में स्क्रीन चल रही है, साइड ऑफ स्क्रीन विल स्टेटस ईच क्वेश्चन, ठीक है, कलर। तो इस प्रकार से आपको भी एक क्वेश्चन के जो निर्देश हैं वो मिलेंगे। इसका कहने का अर्थ ये है कि साइड में आपको कलर दिखाई देंगे, रेड कलर है, पीला कलर है, या व्हाइट है, या येलो है, या ब्लैक है, या किस प्रकार का जो भी कलर है वो आपको दिखाई देगा और उसका निर्देश दिखाई देगा। पहले आप देख लेना कि जैसे यहाँ पे दे रखा है रेड कलर है, एंसर क्वेश्चन, यानी आपने उसका उत्तर दे दिया। फिर दे रखा है ग्रीन, तो इसका उत्तर क्या है, नोट एंसर, आपने उसका उत्तर नहीं दिया। ये मैं आपको भी दिखा देता हूँ। जैसे स्टार्ट एग्जाम करते हैं, आपको ऑप्शन मिलेगा स्टार्ट एग्जाम का, ठीक है। अब स्टार्ट एग्जाम पे जैसे ही क्लिक करते हो तो इस प्रकार से ये यहाँ पे दे रखा है, ये क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, आपका हिंदी मीडियम में आएगा और यहाँ पे टाइमिंग स्टार्ट हो गया। इसी प्रकार से आपके सामने भी टाइमिंग स्टार्ट हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पे जैसे दे रखा है ना, तो इसी प्रकार से आपके उल्टा टाइमिंग शुरू हो जाएगा कि आपके कितने मिनट बचे हैं। आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है, 1 मिनट 5 मिनट 1 सेकेंड भी आपका जो है वो कम नहीं होगा, ठीक है। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करते हो उसके जस्ट तुरंत ही टाइमिंग जो है उल्टी गिनती शुरू कर देगा। तो इस प्रकार से आप जो हैं
जैसे क्वेश्चन करेंगे कि जब कोई हैकर किसी नेटवर्क में प्रवेश करता है तो ये नेटवर्क इश्यू है, तो ये सिक्योरिटी का है, ठीक है। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर देना, ठीक है। अब सेव एंड नेक्स्ट कर दिया हमने, दूसरा क्वेश्चन आ गया। अब QR कोड स्टैंड करता है, क्या है, एक क्विक रिस्पॉन्स कोड, यानी तुरंत ही उसको स्कैन कर सकते हैं। तो सेव कर दिया, तो दो क्वेश्चन हो गए। तो यहाँ पे देखिए रेड आ रहा है, रेड आ रहा है ना। अब मान लो हमें तीसरा क्वेश्चन आया नहीं, ठीक है, फिर सेव नेक्स्ट कर दो, तीसरे में कुछ नहीं आया, रेड नहीं आया ना। अब हमने चौथा मान लो क्वेश्चन हम कर रहे हैं, ठीक है, सोशल मीडिया में इमेज और वीडियो पर आधारित है, तो यहाँ ये सारे कमेंट वगैरह सब कुछ होता है इसमें, तो कुछ भी नहीं है, तो इसमें सेव कर देते हैं, ठीक है। देख लो तीसरा क्वेश्चन हमने अटेंड नहीं किया, इसलिए तीसरा खाली पड़ा है। बाद में आप जैसे कंप्लीट क्वेश्चन कर लेते हो, ठीक है, उसके बाद में जैसे तीन नंबर हम क्लिक करेंगे, तीन नंबर वापस आ गया, दोबारा से आप रिपीट कर सकते हो। उसमें सेम वही कंडीशन है जैसे आपने 10वीं 12वीं एग्जाम दिए ना, जितने जितने क्वेश्चन आ रहे थे उसको आपने पहले कर लिया, या आपने कॉपी के बीच में जगह छोड़ दी, तो वही कंडीशन इसमें है। ये ध्यान रखना है कि ये जो पट्टी है ना, जो से क्वेश्चन नंबर वाली, ये आपकी टॉप में भी आ सकती है, नीचे भी आ सकता है, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम जो भी है कहीं पर भी आपको दिखाई दे सकती है, देगी ज़रूर 101%, ठीक है। टोटल क्वेश्चन कितने हैं, आपने अटेम्प्ट कितने करनी है, तो वो भी चीज़ आपको वहाँ पे मिल सकती है। कुछ क्वेश्चन जो है मैं दिखा देता हूँ किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। देखिए जैसे फ्लॉपी डिस्क शामिल करता है, सर्कुलर टेक्स और सेक्टर, यानी जो CD ड्राइव होता है, DVD होता है, उसमें ट्रैक और सेक्टर बने होते हैं, ठीक है। तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। KYC का मतलब होता है अपने कस्टमर को जानना, इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। फिर इसमें कैल्क एक्सप्रेशन 1500/10/2 का आउटपुट है 25 से, इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। आपके बिल्कुल सामान्य नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे, ये इस प्रकार से क्वेश्चन दे रखे हैं। एक ईमेल में मैसेज टेक्स्ट में रखे गए एक खुश चेहरे या उदास चेहरे के इमेज को कहा जाता है इमोटिकॉन, ठीक है, ये मोबाइल में भी आता है। तो ये इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। APS का पूरा नाम क्या है, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के वाले आएंगे। कंप्यूटर के आरंभ पर सभी आइकन दिखाने वाले स्क्रीन को कहते हैं डेस्कटॉप, ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ये क्वेश्चन बड़े हैं तो इसलिए मैं छोटे छोटे बता देता हूँ। क्लाउड कंप्यूटिंग अपने डाटा को सुरक्षित करता है इंटरनेट के ऊपर, निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस प्रोग्राम है, QKL, K7, Norton, ये सारे एंटीवायरस हैं, तो उपयोग सभी आ गया, ठीक है। इनमें से DVD में ज़्यादा डाटा स्टोर होता है ब्लू रे डिस्क के अंदर, ठीक है, अलग अलग DVD के, ये CD-ROM है, फ्लॉपी है, रेड रे डिस्क है, ये इसके अलग अलग वो पार्ट हैं। तो इसमें ब्लू रे डिस्क हो गया। निम्न में से किस फॉर्मेट में कंप्यूटर डाटा स्टोर करता है, तो बाइनरी के अंदर करता है। तो ये इसके उत्तर जिसने पहले से दे रखे हैं वही क्वेश्चन आएंगे, उसमें आपको उत्तर चुनना है। और ये इस प्रकार के चार चार क्वेश्चन के उत्तर आएंगे, चार भी आ सकते हैं, पांच भी आ सकते हैं, वो आप अभी आगे वाला जो भी वीडियो मिलेगा आपको उसके अंदर सब कुछ क्लियर मिलेगा। जब निर्देश आ जाएंगे गवर्नमेंट के तो उस निर्देशों के अनुसार ही होगा, आज तो नहीं आएंगे शायद क्योंकि संडे होने के कारण कोई निर्देश नहीं मिलेगा। तो जैसे जैसे आपके स्क्रीन के ऊपर देखिए मैं दिखा रहा हूँ इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। ब्लूटूथ की खोज किसने की, रिक्सन ने की, ठीक है। इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है, विंट सर्फ को कहा जाता है। इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर का नाम था परम 8000, ठीक है। USB किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइस है, टेरिटरी, ठीक है। अटल पेंशन योजना क्या है, उपयोग सभी, यानी ये सारे इसके लागू हैं। और सीरम का पूरा अर्थ क्या है, कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन आएंगे। जैसे ये दे रखा है ना, कंप्यूटर के किस घटक को हृदय के रूप में जाना जाता है, माइक्रो प्रोसेसर, यानी मैन यही होता है कंप्यूटर का हृदय, कंप्यूटर का दिमाग जो भी है। SBI का पूरा नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बैंक में, रेलवे इत्यादि में कंप्यूटर प्रयोग होते हैं, मेन फ्रेम, ठीक है। तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन जो हैं वो आने वाले हैं, बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन आएंगे। ARP का पूरा अर्थ क्या है, एड्रेस रिसोल्यूशन प्रोटोकॉल। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो हैं वो आएंगे, आप इन क्वेश्चन को अच्छी प्रकार से देख लें, इनकी प्रैक्टिस करें। और ये इसकी वेबसाइट गूगल के अंदर आप सर्च करोगे ना, मॉक टेस्ट कंप्यूटर पेपर,
तो उसके अंदर हर एक प्रकार के अलग अलग क्वेश्चन जो हैं वो आपको मिल जाएंगे। और इस वीडियो के अंदर जो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक भी दे दूंगा, मेरी वीडियो हैं, उन वीडियो को देख लीजिए आप। उनमें सभी प्रकार के जो क्वेश्चन है, बेसिक इन्फॉर्मेशन जो भी थी, वो बेसिक सारी की सारी उसके अंदर मेरे द्वारा डाली गई है, वो आप देख सकते हो और वहाँ आप अध्ययन कर सकते हो। फिर भी कोई समस्या अभी भी है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। सूचना से लेकर चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि बच्चों ने गुरुदक्षिणा के रूप में मुझे सिर्फ आप लोगों के लाइक चाहिए और आप लोगों के कमेंट चाहिए और सब्सक्राइब कर दो, यही मेरी गुरुदक्षिणा है। आपको समय समय पर सभी प्रकार की जानकारी जो है मैं मेरे चैनल पे देता हूँ, एजुकेशन से संबंधित या टेक्निकल चीज़ से संबंधित या कंप्यूटर से संबंधित सारी वीडियो मेरे चैनल पे भरे पड़े हैं, ठीक है, आप उनको देख सकते हो। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।